नमस्कार। जी नमस्कार। संवाद में आज हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन के संपादक राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। तो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा कि उनका ट्विटर पर दावा रहता है कि वो अकेले मैदान में जूझ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ, तो इसमें उनको अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, रघुवर दास जी का भी साथ क्यों नहीं मिल रहा है खुल करके, जैसा मिलना चाहिए। दरअसल भाजपा की जो झारखंड में स्थिति है उसको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं है और एक खुली किताब की तरह भी है। दरअसल भाजपा में जो खेमेबंदी की स्थिति है उसका दुष्परिणाम जब पिछले विधानसभा चुनाव में सामने आ गया और बाद में पार्टी के स्तर पर उसमें मंथन की बात भी हुई और मंथन भी हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन जो आम तौर पर जो सतही है, जो सामने है, जो देखा जा रहा है उसमें है कि कहीं जो हालात थे पार्टी के भीतर वो अभी नहीं बदले हैं और जो खींचतान और जो अलग अलग जो ध्रुव है वो अभी बरकरार है। और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी हो या उनका अभियान हो या पार्टी का भी कोई अभियान हो, जो पार्टी के स्तर पर जो आधिकारिक रूप से चलता है उसमें भी अगर कोई खेमा अपने स्तर से उसको एक खानापूरी के रूप में लेता है, उसको औपचारिकता की तरीके से जो है कर देना है तो कर लेना है, उसमें भी खेमेबंदी साफ झलकती है। और उसमें जो स्थिति पशु केस वाली होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। तो इस पर कहा भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व की भी नजर है, सब कुछ है, लेकिन आप बाबूलाल मरांडी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो उनको देखेंगे कि शुरुआती दौर में तो वो भाजपा से ही जुड़े थे, इस कारण उनको झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला था। बाद के दिनों में जो भी कारण हुए उनको कुर्सी से हटाया गया, हटना पड़ा और बाद में अर्जुन मुंडा की सरकार आई और कार्यक्रम में जो बनता रहा तो उन्होंने फिर अपने अलग पार्टी का गठन किया और उसके तहत अपना जो है अभियान आगे चला रहे थे। अभी पिछले दिनों जब भाजपा में आए तो स्वाभाविक है उनको भी उम्मीद होगी कुछ और भाजपा को भी उम्मीद होगी कि पुराने लोग हैं, इनके अनुभव हैं, उसका हमको लाभ मिलेगा जो कुछ होगा। बाबूलाल मरांडी अपने स्तर से उसको कर भी रहे हैं क्योंकि जो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव भाजपा के तकरीबन नेता हैं, लगभग हैं, क्योंकि भाजपा का इस पर जोर रहता है। लेकिन अन्य नेताओं को आप जोड़ेंगे देखेंगे तो उसमें रहता है कि जो प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है उसको उससे संबंधित ट्वीट को रिट्वीट कर देना, कुछ करना, जो उपस्थिति जो वहाँ होती है उनकी वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत नगण्य होता है और वो दूसरे हिसाब से है उसको। लेकिन बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड के मुद्दे को उठाते हैं, वो चाहे वो सरकार के स्तर पर गड़बड़ी हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी बातें हैं उसको सकारात्मक तरीके से रखते हैं। इस कारण तो विरोधी तो स्वाभाविक रूप से उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन यह काम भाजपा के दूसरे नेता बहुत मजबूती से नहीं करते। हाँ इक्का दुक्का जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ करते हैं पार्टी के स्तर, आधिकारिक स्तर पर, तो उसमें फिर आते हैं तो उसमें भी सोशल मीडिया वगैरह पर उनकी सक्रियता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में होती है, लेकिन सामान्य तौर पर होती नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कहीं ना कहीं पार्टी में जो गुटबाजी है इसकी वजह से है। और अभी भी आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, लगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कहा तो यह भी जा रहा है कि झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाए, कराया जाए। अब ये तो करना नहीं कराना ये तो जो उनसे संबंधित एजेंसी है, चुनाव आयोग है, जो है उनको करना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तभी इनकी मुकम्मल तैयारी नहीं है। अभी लोकसभा को लेकर जो तैयारी हो रही है, जो पार्टी का अभी 1 महीने का अभियान चल रहा है, वो तो देशव्यापी अभियान है, वो झारखंड में भी चल रहा है। उसमें है कि भाजपा की उपलब्धियों, भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताना कि 9 साल में जो कुछ हुआ है, जो बेहतरी की बातें हुई है। उसके अलावा जो झारखंड भाजपा को टैक्स है कि सरकार की जो नाकामियां हैं, जो सरकार
बातें करके आई थी उसको पूरा नहीं की, तो इसके बारे में भी लोगों को बताना है और लोगों को अपने साथ जोड़ना, तो इस अभियान पर काम होना है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि गुटबाजी का शिकार है, यहाँ जैसे आप गुटबाजी कहेंगे तो उसमें जो गुट है वो खुले तौर पर गुट है, उसमें स्वाभाविक है कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे हैं और भाजपा में हैं, तो ऐसे भी उन भाजपा के सीनियर नेता हैं, पुराने नेता हैं। उसके अलावा जो है आप देखेंगे तो रघुवर दास का अपना खेमा है, उसमें चूंकि वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो भी अपने को छोटे कतई नहीं आंकते हैं दूसरे नेताओं से, और उनका अपना जो चलता है अभियान वगैरह तो उसमें खास लोगों का होना सब कुछ होना वो अलग से है। अर्जुन मुंडा हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्र में भी मंत्री हैं, तो उनका भी अलग हिसाब किताब है। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो दीपक प्रकाश होते हैं, वो भी अभी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बात आई है कि नहीं भाई, चूंकि झारखंड भाजपा को आदिवासियों को जोड़ना है जो पिछले चुनाव परिणाम के सबक रहे हैं उस हिसाब से, तो किसी वैसे चेहरे को लाना है जो ज्यादा लाभकारी हो चुनाव को लेकर के, तो बदलने की बात है, तो बदलेंगे नहीं बदलेंगे, लेकिन फिलहाल उनका भी अपना एक थेमा है, वो भी हैं तो उस हिसाब से चलता है। तो यही कारण क्यों कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाते, इसलिए कि उनको सहयोग नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जो यह असहयोग है ये तमाम बातें फिर वही कुर्सी की ही बातें हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है, कि दावेदारी की जो बात, अगर बाद के दिनों में अगर भाजपा फिर सत्ता में लौटती है और नेतृत्व देने की बात होती है तो जो चेहरे सामने आएंगे, तो जो फिलहाल जो चेहरे गिने जाते हैं उनमें तो यही तीन चेहरे ही मुख्य तौर पर हैं। अब अप्रत्याशित रूप से किसी को सामने किया जाएगा या क्या होगा ये भी तो अभी भविष्य के गर्भ में है, तो फिलहाल तो यही स्थिति। तो जी रघुवर दास जी को ऐसा क्यों लगता है कि अगर भाजपा जीतती है तो उनके लिए कुर्सी सुरक्षित है, उसमें बाबूलाल मरांडी जो करना हो करते रहे? मैंने इस तरह की कोई भावना है क्या? देखिए, तो स्वाभाविक तौर पर ना कि अभी आप एक बार जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो कोई तो अब उससे कम तो बनने की उम्मीद नहीं न पालता है कि भैया हम कहीं जाके किसी के अधीन में हम मंत्री बन जाएंगे या कुछ होंगे। अगर केंद्रीय स्तर की बात हो, राजनीति की बात हो, तो बात अलग हो जाती है। और यहाँ जो स्थिति है जो मुख्यमंत्री बनने की, जब आपसे खींचतान होती है और उसमें तो फिर विधायकों का समूह सब की सहमति ली जाती है, तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम पहले से मुख्यमंत्री हैं और पार्टी पर भी और जो भी विधायक आएंगे जिसके कोई अप्रत्याशित, तो बहुत नए चेहरे तो आने वाले हैं नहीं, सब वही लोग हैं, वही लड़ना है चाहे जो जो भी पार्टी है उससे, कोई नया चेहरा तो अचानक आता भी नहीं चुनाव मैदान में, चाहे आप अभी जेएमएम ही देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, बीजेपी देख लीजिए, आसू देख लीजिए, सब वही चेहरे हैं, चुनाव लड़ना हारना जीतना जो है तो उन्ही में से आना है, तो जो संबंध सरोकार होते हैं तो उस हिसाब से तो लगना स्वाभाविक भी है और लगता भी है, इसका तो प्रदर्शन तो होता ही है, वो तो क्या बोलते हैं उसको जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो बताता ही है, और बातचीत से भी जो सामने बातें छन कर आती है उसमें होता है। और बाबूलाल मरांडी भी चूंकि आए हैं भाजपा में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत कि नहीं भाई चलो हमें कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग भी पार्टी बनाई थी, तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि पार्टी कोई हाँ बना लिया और चल रहा है, ऐसा नहीं है। खुद भी सांसद बने, उनके पार्टी से भी सांसद हुए थे, खुद विधायक कई कई विधायक रहे हैं, तो पार्टी से और जहाँ से भी लड़े हैं वो मजबूती से लड़ते रहे हैं, हार जीत अलग बात है, तो उनका भी अपना वजूद है, तो भी आए हैं तो कुछ महत्वाकांक्षा लेकर के ही आए हैं, और जैसे भाजपा ने उनको दिया भी था कि भाई संगठन के स्तर पर तो दूसरे लोग हैं, तो आपको जैसे रघुवर दास को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, अर्जुन मुंडा हैं तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आदिवासी चेहरा है तो उनको आदिवासी मामलों का मंत्री बनाया गया है, वो केंद्र में वो भी चेहरे के तौर पर है। बाबूलाल मरांडी को दिया गया तो यहाँ तो प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया, उनको बीजेपी ने बनाया, यह बात अलग है कि उनको तकनीकी पेच में फंसा हुआ है, अब तक उनको आधिकारिक तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष से मिलना चाहिए दर्जा वो नहीं मिला है, तो चल रहा है सुनवाई का क्रम, तो महत्वाकांक्षा तो है ही है सामने और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही है, तो खींचतान की असली वजह तो है ये मूल रूप में है, और रघुवर दास तो है ही दावेदार स्वाभाविक तौर पर, जब भी बातें आती है तो और कहा भी जाता है, राजनीतिक हलकों में भी चर्चा होती है, पार्टी में भी जो
चर्चा होती है खींचतान में, या बाबूलाल मरांडी का ही जो सोशल ट्विटर पर जो हैंडल है जहाँ से उनका ट्वीट आता है उसमें भी आप देखेंगे तो कई कई लोग सवाल उठा देते हैं कि अरे मरांडी जी आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, अब आ भी जाएगी भाजपा तो सत्ता में तो आपको कुर्सी थोड़े ही मिल रही है, उसके लिए तो रघुवर दास जी ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोई लिख रहा होगा तो अगर सोशल मीडिया पर सक्रिय है और लिख रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसके जेहन में यह बात आई होगी, और वह बात तो ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई स्वप्नाता है कुछ है, तो चर्चा में ही जो बातें होती होंगी तो कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई बातें हो जो कुछ हो तो वो तो उसी रूप में सामने आई होगी तो उसका आता है, तो यह तो भाजपा है। ए? क्या भाजपा एक बार छोड़ने के चलते उनकी स्थिति पहले की तुलना में कुछ कमजोर हुई है अन्य नेताओं की तुलना में? हाँ देखिए जो धार जो है, अब चूंकि भाजपा में थे तो भाजपा की बातें करती थी, लोगों को सुनने की भी आदत थी, अगर वो आलोचना किसी की कर रहे हैं तो, क्योंकि भाजपा से जब अलग हुए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो स्वाभाविक रूप से वो, अगर जेएमएम से उनकी लड़ाई थी, कांग्रेस से उनकी लड़ाई थी, तो भाजपा से भी उनकी लड़ाई थी, और सैद्धांतिक रूप से जो पार्टी का होता है तो उसमें आक्रामक थे भाजपा के रूप में, विरोधी के रूप में। तो अब आज के तारीख में अगर वो भाजपा में लौटे हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर जो तुलना करने की स्थिति है वो है, अगर वो कहते हैं कि भाजपा बहुत अच्छी है, वही सुशासन दे सकती है, भाजपा के शासन में बहुत बेहतर हो रहा है, झामुमो की सरकार अच्छी नहीं चल रही है, झामुमो जो है झारखंड को डुबा रही है, गर्त में ले जा रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, तो कल यही आरोप अगर आप भाजपा पर लगाते थे जब रघुवर दास की सरकार थी तो आप बोलते थे कि भ्रष्टाचार चरम पर है, झारखंड को ले डूब रहे हैं, झारखंड का जो सपना था वो पूरा नहीं हो रहा है, भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, तो जो ऐसे बयान थे। तो फिर आज के तारीख में अगर आप बोल रहे कि नहीं बहुत अच्छा सब कुछ है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उन पर उठेंगे, तो विश्वसनीयता का तो संकट होता ही है। कल भी उन्होंने आप देखेंगे कि एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि तो सिर्फ ये लोग हैं जो हम बोलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और हमारी आलोचना करते हैं, उसमें उन्होंने यह गिनाया कि ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ इसी शासन काल में हो रही है, मतलब हेमंत सोरेन के शासन काल में भ्रष्टाचार जो है इससे पहले भी होता रहा, तो उसकी वजह क्या थी भाई, तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने गिनाया कि शासन करने के अनुभवों की कमी थी, तो ठीक है भाई शासन करने के अनुभवों की कमी तो थी अगर, तो आप जैसा कह रहे हैं कि पहले भी हुआ है ऐसा शासन करने के अनुभवी की कमजोरी, अनुभव की कमजोरी का फायदा अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने उठाया, तो अगर ठीक है उनको माइनस कर दे, अपने को अनुभवी माने क्या माने जिन्हें नहीं पता, लेकिन बाद के दिनों में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुए, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हुए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुए, रघुवर दास मुख्यमंत्री हुए, तो मधु कोड़ा मुख्यमंत्री हुए, तो क्या उस उनके समय में जो घोटाले हुए तो अगर अनुभव के कारण हुए अगर, तो फिर आप इसमें कहना क्या चाह रहे, यह भी आलोचना खुद अपने बचाव में बोले भाजपा के बचाव में, क्योंकि जो बोलते हैं तो उनकी आलोचना हो जाती है, लोग तुलनात्मक अध्ययन कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार का मामला आया है उसमें पूजा सिंघल जेल में आईएएस जो अधिकारी हैं पूजा सिंघल जेल में गए, अभी जो रांची के डीसी थे और जो जमशेदपुर से आते हैं छवि रंजन वो भी जेल में पहुंचे हुए हैं, उन प्रेम प्रकाश नाम का कोई दलाल, दलाली का आरोप है कि सत्ता से मिल करके अपना अफसरों से साठगांठ करके जो गड़बड़ी करना है वो जो किए हैं, तो ये जब नाम गिनाते हैं तो ये सब रघुवर दास के शासनकाल में भी लोग वही काम करते रहे, उस समय भी आया, तो अब इनका जो बाबूलाल मरांडी अब इसके बचाव में क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले भी होता था अभी हो रहे हैं, अब इसमें फर्क क्या गिना रहे हैं, तो अनुभवहीनता वाला तो गिनाए शासन के अनुभवहीनता, दूसरी जो भाजपा के बचाव में जो तर्क है उसमें यह कह रहे हैं कि भैया पहले अगर गलत होता था तो कार्रवाई भी होती थी, लेकिन अभी अब कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे लगता है कि पूरी तरह सत्ता संरक्षित हो रहा है, तो यह थोड़ा अंतर है, तो इसमें तो उनको करना पड़ रहा, झिझक तो होगी स्वाभाविक रूप से होगी, लेकिन इसको इस रूप में लीजिए कि राजनीति तो इसमें तो बहुत भुला शर्म हया, ये सब जैसी कोई बातें होती नहीं, आप तमाम दलों में तो कल इधर रहे कल उधर रहे और उस वही चेहरे, वो कहीं भी देख ले पूरे देश में देखिए ना, यूपी बिहार झारखंड सब की तमाम कमोबेश यही स्थिति, तो चल रहा है और लोग समझ रहे हैं देख रहे हैं। आखिरी सवाल
जी क्या वफादारी साबित करने जी के लिए, वफादारी साबित करने के लिए बाबूलाल मरांडी को अधिक मेहनत करनी पड़ रही है पार्टी में? हाँ बेशक पार्टी में वफादारी, तो वफादारी तो नेतृत्व को दिखाना है, जिन्होंने इन पर भरोसा किया है कि ये हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे, तो इनको वहाँ दिखाना है। फिर पार्टी के अंदर भी अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है, ठीक है ना। जो कार्यकर्ता कट गए चट गए इनसे अलग, अभी सबसे बड़ा संकट क्या हो रहा है कि जब ये अलग पार्टी बनाए तो चूंकि भाजपा से ही हटे थे, तो इनसे जो जुड़े भी लोग गए इनके साथ, जो विभिन्न जिलों से गए, वो सब भाजपा के ही लोग थे। अब जब ये वापस लौटे हैं तो उनकी भी तो स्वीकारता की बात हो रही है ना। जो अगर मान लिया जमशेदपुर में, अब यह एक उदाहरण दिया आपको कि जमशेदपुर में महानगर अध्यक्ष हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी जी समय भाजपा में होते थे, तो उनके साथ होना न होना तो बाद के दिनों में चूंकि वो पार्टी से अलग हो गए उनके साथ गए तो खुल करके प्रदर्शन सामने आया कि नहीं भाई उनके विश्वासी हैं और उनके साथ करते। तो भाजपा के महानगर अध्यक्ष थे अभय सिंह, महानगर अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्ष समझिए, भाजपा को यहाँ दो स्तर पर बांटा हुआ है, ग्रामीण किया शहर किया, तो जिला अध्यक्ष हुए भाजपा के, उनके साथ चले गए। जब साथ चले गए तो यहाँ रघुवर दास के खिलाफ वो चुनाव लड़ते थे बाबूलाल मरांडी के पार्टी से, तो अब खिलाफ में थे, विरोधी पार्टी में थे, खिलाफ में चुनाव लड़ना, तो जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो तो जाहिर है। अब जब फिर यहाँ आ गए तो एक तो उनका कद है कि भाई वो रघुवर दास से चुनाव लड़ते थे, तो अब वो किससे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। बोलने की जो बात है, विश्वसनीयता की बात है, कल तक जो रघुवर दास के खिलाफ बोलते थे कई तरह की बातें आती थी, उनकी जो छवि थी, अब साथ गले मिले हैं सब करे, तो जनता भी तो देख रही है, तो भी तो मजाक उड़ाती है ना जो होता है। तो उस स्तर पर भी दिक्कत हो रही है, जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, तमाम लोग जो पिछले चुनाव तक लड़े हैं जेबीएम के टिकट से, आज के तारीख में वो फिर भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। अब वहां से अगर भाजपा जीती हुई है या नहीं भी जीती हुई है, दूसरे नंबर पर रही है, तो फिर उनका समायोजन कैसे होगा। तो बहुत कसमकस है, और यह कसमकस की स्थिति जो है ना, ये अगर बाबूलाल मरांडी को असहज कर रही है भाजपा के दूसरे जो राज्य स्तर के नेता हैं, जो यहाँ के, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर रघुवर दास हो या जो कोई भी हो, उनको जितना असहज कर रहा है उतना ही तो फिर पार्टी के स्तर पर भी असहजता होती है, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम तो सकारात्मक तो नहीं तो माना जाएगा ना। तो यह तो है बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी, नमस्कार।